बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। भाई साहब, दिस इज द ट्रेलर। बॉम्ब फटने वाला है, मैं तो अभी से कह रहा हूँ बॉम्ब फट गया है। दिल से बोलूँ तो सच में इट इज़ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी यार। करण जौहर, सैल्यूट है तुम्हारी रेटिंग को यार। बाय गॉड, जवान के ट्रेलर से जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ के दिया है। भाई सच कह रहा हूँ, ट्रेलर से पहले तो ये कि कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। इवन अभी तक कहानी क्या होने वाली है कुछ भी अच्छे से नहीं पता लग रहा है। हाँ, मेट्रो या ट्रेन जो भी थी वो हाईजैक पे कहानी घूमेगी पूरी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन SRK के इतने लुक्स यार, और हर लुक्स में ये बंदा आग लगा रहा है। मतलब SRK नहीं, मल्टीपल्स ऑफ SRK देखने को मिल रहे हैं हमें। कभी वो रोमांटिक वाला SRK, तो कभी वो पुलिस की यूनिफॉर्म वाला SRK जो IPS की यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो कभी वो जोकर वाला SRK जो हाफ मार्क्स लगा रखा है, तो कभी वो एजेंट वाला SRK जो फुल एकदम गन सन लेके तैयार होके जा रहा है एनिमी को मारने के लिए, तो कभी वो आर्मी मैन वाला SRK एकदम जवान वाला SRK, तो कभी वो इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर का यूनिफॉर्म वाला मस्टैग वाला SRK जो ओल्ड करके दिखाया गया है। और लास्ट के दो कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त फेमस होने वाले हैं यहाँ से, जिसमें से लास्ट में एंड ऑफ ट्रेलर में डायलॉग मारता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को जानना जरूरी था, बाप से भिड़ना पड़ेगा। और वो दाढ़ी मूछ वाला ओल्ड वाला SRK जो एक टाइम पे ठग है, राउडी टाइप का कैरेक्टर और रोल दिखाया गया है, लाइक जेलर मूवी में रजनीकांत जैसा दिखाया गया है वैसा ही वाला लुक दिखाया गया है। और मैं कह रहा हूँ ना, मज़ा आने वाला है भाई साहब। और लास्ट में वही जो दाढ़ी मूछ वाला SRK जो ब्लेड्स लेकर जो लड़ रहा है, जो एक बार के लिए 6 सेकंड का क्लिप लीक भी हुआ था और जबरदस्त वायरल हुआ था, जी हाँ वही वाला सीन, वो ब्रेथ टेकिंग था। मैं कह रहा हूँ मजा आने वाला है, सॉलिड बॉम्ब फटने वाला है, फिर कह रहा हूँ। और मैं सही बताऊँ तो फेवरेट कैरेक्टर इस मूवी में SRK का मोस्ट फेमस रोल होने वाला है, गंजे वाला रोल, विलेन SRK, बिल्कुल क्रूअल साइकोपैथ टाइप रोल है। और बीच बीच में कॉमिक पंचेस में भी मजा आ गया। पहला तो वो जब बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो कहता है कि चाहिए तो आलिया भट्ट, सॉलिड पंच था बाबा। मतलब हाईजैक करके बैठा है और मजाक सूझ रहा है, ये दिखाता है कि कितना क्रुएलिटी वाला रोल होने वाला है। मतलब बाय गॉड, अभी सिर्फ ट्रेलर से ही उस गंजे वाले रोल से नफरत वाली फीलिंग जाग रही थी। इट मींस ये कि मूवी में कितना पावर ब्लास्टर देखने को मिलने वाला है, मतलब कैरेक्टर्स में इतनी जान डाल देंगे SRK कि मजा आने वाला है भाई साहब, वो हम इस ट्रेलर से इमेजिन कर सकते हैं। भाई साहब, जवान मूवी मुझे अभी तक फुल सीरियसनेस वाली मिशन कंप्लीट मूवी लग रही थी, लेकिन जो पंचेस छोड़े गए हैं पूरे ट्रेलर में, भाई मजा आ गया। और जो एंड किया है वो गंजे वाले SRK से कि यार चलो गाना ही सुना दो, भाई मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ कॉमिक टाइमिंग भी औसम है, एक्शन भी औसम है, स्पाई यूनिवर्स का जो तड़का मिलने वाला है औसम है। मतलब ये मल्टीपल थिंग्स का जो तड़का मिलने वाला है, एक छोटा पैक बड़ा धमाका वाला हिसाब होने वाला है। मैं कह रहा हूँ ये रोल, ये गंजे वाला रोल मेरा फेवरेट होने वाला है मूवी में। एक तरफा बीट डाउन करेगा ये सबको, SRK के बाकी कैरेक्टर्स को। और वो बैंडेजेस में जो फुल पैक वाला SRK, भाई एक्शन वहाँ से देखने को मिल रहा है ज़बरदस्त बिल्कुल। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, मैं फिर कह रहा हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि स्टोरी लाइन आखिर होने क्या वाली है। हाँ, इतना कंफर्म है कि वो गंजे वाला SRK ने जो ट्रेन हाईजैक किया है वो मेन थीम होने वाली है पूरी मूवी की। और SRK दो बाप का रोल प्ले करने वाले हैं, ऐसा थोड़ा सा रिवील हो रहा है। मतलब बाप भी खुद और सन्स भी खुद। तो ट्रेलर एज मच एक्सपेक्टेड ऑसम है। विजय सेतुपति का रोल जहर है। एक्चुअल विलन कौन होने वाला है कुछ आइडिया अभी लग नहीं रहा है, लेकिन विजय सेतुपति ने भी जबरदस्त छाप छोड़ी है, जबरदस्त बिल्कुल। एक विलन का जो रोल होता है निगेटिविटी वाला, वो जबरदस्त दिखाया गया है। लेकिन पूरी मूवी में SRK खा जाएगा सभी। दीपिका पादुकोण अभी तक सिंपल लग रही थी, लेकिन वो भी एक्शन करते नजर आ रही है। इसी के साथ नयनतारा का अमेजिंग रोल होने वाला है, फुल रोमांटिक साथ निभाते हुए SRK का, कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभा रही है बिल्कुल। तो मूवी में रोमांस भी भरपूर मिलने वाला है, एक जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है, एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट आएगा और एक नहीं कई बार आएंगे। तो मूवी में लग रहा है बाप बेटे की कंट्रोवर्सी एक बार के लिए देखने को मिलने वाली है, सॉलिड एक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली है, और स्पाई यूनिवर्स का बेहतरीन तड़का भी देखने को मिलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ मुझे बहुत मजा आया, मैंने अभी तक इस ट्रेलर को 10 बार देख लिया है। वाकई में इट इज़ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, मेरी तरफ से इट इज़ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी। और मैं 7 सितंबर का वेट बहुत बेसब्री से करने लगा हूँ अब ट्रेलर के बाद, क्योंकि प्रीव्यू के बाद जो आग लगी थी कि ट्रेलर कब आएगा, और आज ट्रेलर आ गया
और सॉलिड तरीके से आया है, सॉलिड तरीके से ये बॉम्ब फटा है, आग लगा दी ट्रेलर ने, बाय गॉड। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोगों की बारी। आप लोगों ने भी ट्रेलर अभी तक देख लिया है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा, और सच में बताना कि कितने बार ये ट्रेलर आपने देख लिया है, और क्या ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी ये टैग आप इस ट्रेलर को देना चाहोगे। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस और राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।